नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज जो मैं आपको प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ, वो मेरे गार्डन में न्यू प्लांट है और इसको बोला जाता है वैंडरिंग ज्यू, या फिर ये बहुत कॉमन हाउस प्लांट है और बहुत ही सुंदर है, जो आपके गार्डन में पर्पल कलर भी ऐड करता है, प्लस ये सुंदरता भी ऐड करता है। और ये है ग्राउंड कवर में या फिर पॉट्स में, लॉन्स में लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से, जहाँ भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, ये बहुत ही आसानी से फैल जाता है। और इसका नाम इसीलिए इसको वैंडरिंग ज्यू बोला जाता है, क्योंकि जहाँ भी इसको मिल जाता है अच्छा कंडीशन, तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है। इसको बोला जाता है पर्पल हर्ट भी बोला जाता है, या फिर पर्पल क्वीन भी बोला जाता है। और ये बहुत ही आसानी से हैंगिंग पॉट्स के लिए बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे कि मनी प्लांट आप तैयार करते हैं बहुत सुंदर, वैसे ही हैंगिंग के लिए सेम वैसे ही इसका भी नेचर है। ये भी मनी प्लांट की तरह बहुत ही आसानी से हैंगिंग के लिए तैयार हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा। तो ये जो पौधा है, ये लो लाइंग स्लाइटली सकलेंट प्लांट है, परनियर हर्बेसियस प्लांट है, और कि मैट या फिर कॉलोनीज की तरह इसको बहुत अच्छे से आप ग्राउंड में सजा सकते हैं। और अगर आप इसके रू इसके लीव्स को देखेंगे, तो लीव जो होता है वो जेब्रा पैटर्न का होता है, आप देख रहे हैं जेब्रा पैटर्न, जैसे जेब्रा के शरीर पे बॉडी पे दो व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, वैसे ही इसको जेब्रीना भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो लीव्स है उसका नाम डिराइव हुआ है, इसके लीव्स में जेब्रा पैटर्न के दो लाइन्स होते हैं। अगर आप अपर लीव को देखेंगे तो ये स्लाइटली पर्पल कलर के होते हैं, वहीं अगर आप नीचे जाएंगे इसके पुराने पत्तों को देखेंगे तो ये थोड़े ग्रीन कलर्स में होने लगते हैं। इसके जो लीफ का जो अपर पार्ट है उसमें दो स्ट्राइप्स, सिल्वर कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर जेब्रा पैटर्न देते हैं। प्लस इसके जो पीछे है, ये बहुत प्यारा सा मैजेंटा कलर आपके गार्डन में ऐड होता है। इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है और बहुत आसानी से ये कटिंग के थ्रू लग जाता है, प्रोपगेट हो जाता है। प्लांट की अगर हम सॉइल की बात करें, तो सॉइल के लिए इसको स्लाइटली मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है। कोई भी पौधों के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो उसकी पॉटिंग सॉइल होती है, कि आपके पानी जमा ना हो। आपके गमला जो होता है, जो पॉट होता है, उसके नीचे आपको होल बना के रखना चाहिए, ताकि बहुत आसानी से पानी जमा ना हो और नीचे से निकल जाए। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। लाइट कंडीशन की बात करें, तो लाइट कंडीशन में इसको बहुत ही अच्छा धूप चाहिए होता है, इसको ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसको कोल्ड सीजन में इंडोर रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, जितनी धूप में रखेंगे आप तो उतना अच्छा से ही इसका जो रंग है वो निखर के आएगा, और ये आपके गार्डन में कलर बहुत अच्छे से अपना शो करेगा। इंडोर में इनडायरेक्ट सनलाइट में भी आप रख सकते हैं, और हैंगिंग्स में बहुत अच्छा लगता है ये पौधा। तो अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन में, तो प्रोपगेशन में आप देखेंगे तो इसके शूट्स जो होते हैं, इसके नोड्यूल्स में छोटे छोटे से हेयर हेयर जैसा हेयरी हेयर फॉर्म रहता है, और इसको अगर मॉइस्चर मिल जाए तो ये कहीं भी अपना रूट फॉर्म कर लेगा। ये जैसे आपका नोड्यूल्स नोड्स में देख रहे हैं हेयर रहता है, और इसके जो पूरे बॉडी में थोड़े छोटे 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 हेयर्स रहते हैं, तो इसको कहीं भी अगर आप वाटर लवर है, वाटर मिल जाए तो ये कहीं भी अपने रूट के थ्रू प्रोपगेट कर सकता है। इसका बेस्ट प्रोपगेशन ये है कि आप इसका कटिंग लें और ऐसे पानी में लगा दें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी मैंने पानी में लगाया हुआ है, ये भी मैंने पानी में लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से चलते हैं ये पानी में। और अगर आपको इसका अपना जो पौधा है उसको बुशी बनाना है, तो यहाँ से आप बस कटिंग करिए ऐसे करके, और कटिंग लेके आपको ये जो आप दिख रहा है, कटिंग लेके आप कहीं भी मिट्टी में, नॉर्मल मिट्टी में लगा दें या फिर पानी में लगा दें, तो बहुत अच्छे से चलता है। अगर देख रहे हैं आप ये नोड्यूल्स के साइड से, तो बहुत अच्छे से चलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग लिया है, और इसको कहीं भी ऐसे मिट्टी में अगर आप बहुत आसानी से दबा देंगे और थोड़ा सा पानी दे देंगे, तो ये बहुत अच्छे से चलता है, और ये बहुत सुंदर एक हैंगिंग की तरह तैयार हो जाता है किसी भी गार्डन में, विवेरियम में कलर भरने के लिए एकदम तैयार रहता है। बहुत अच्छे से आप इंडोर में भी इसको रख सकते हैं, इंडोर में भी आपके ये बहुत अच्छे से आपका रूट डेवलप कर लेता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। जैसे कि ये बॉटल में मैंने लगा के दिखाया है आपको, और देखिए इसमें रूट बहुत आसानी से एक सप्ताह के अंदर, ये जो मेरा पौधा है ये मेरे गार्डन में एकदम नया है, और एक सप्ताह के अंदर देखिए बहुत सुंदर दिखने लग गया है ये पौधा। तो बहुत आसानी से ये
ऐसे भी किसी भी गमले में आप लगा के रख देंगे तो बहुत आसानी से ये आपका पौधा तैयार हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आप भी अपने गार्डन में ये सुंदर सा पौधा, जबरीना पौधा, जिसके कि जबरा जैसा लीफ होता है, इसको आप लेके आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।